लॉजिक है कि वो अकेला गया था, उनके साथ कौन गया था, और तीन मतलब इतने सारे आई विटनेसेस है। हेलो, आप सलमान खान के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? ये तो कुछ नहीं बता रहा, लेकिन चलिए हम यहाँ के लोगों से पूछे। सलमान खान का जो भी ब्लैक बक का केस है, जो बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ जा रहा है, उसके बारे में। मेरे साथ मैं हूँ गौरांग मेहरा। एक मिनट, यार अभी अभी सलमान खान को जेल हुई है 5 साल की, अभी वो केस वेस चल रहा है, उसके बारे में क्या कहना है तुम्हारा यार? सही हो रहा है गलत हो रहा है? सही हो रहा है, अभी केस नहीं चल रहा है वो। सलमान खान ने क्या करा था, 1998 यानी कि 1998 के अंदर एक काले हिरण को मारा था जो कि इलीगल था, तो अभी तक केस चल रहा है, आप कह रहे हो उसको 5 साल की जेल दो। आप सलमान खान की फैन है? फैन तो नहीं है, पर नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों का जवाब तो नहीं है, ये होता है अंधा प्यार। अंधा प्यार है ये। तो क्या सब लोग वहाँ पे सिर्फ यही देखने गए थे कि सलमान खान ने मारा है? तो डाउट भी होता है, क्योंकि मैंने उसके कुछ एक पॉइंट्स रीड आउट किए हैं, फिर वहाँ पे मुझे लगता है कि ये एक तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल पावर यूज किया जा रहा है सलमान खान को फंसाने के लिए। आई गेस ही शुड बी इन जेल फॉर द एनिमल हंटिंग, क्योंकि इंडिया में ऐसे होते हैं कि सब फॉलो करते हैं सेलिब्रिटी को, तो इस कारण से भी एक पॉइंट बनाया जा रहा है कि वो सेलिब्रिटी है, तो अगर वो अगर ऐसा करते हैं तो लोग क्या करेंगे, फिर लोग क्या देखेंगे, है ना? तो वो उस चीज़ को मतलब इशू बनाया जा रहा है कि नहीं, अगर वो करते हैं तो बहुत सारे लोग ये करते हैं, बस यही। क्या क्या जैसे ये एक जो बिश्नोई जी ने कोर्ट में जज थे, उसने जो फैसला लिया, उन्होंने ये कहा कि अगर सलमान जैसे सेलिब्रिटी अगर ये करता है तो लोग और क्या करेंगे। नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से भी, क्योंकि इस केस को काफ़ी टाइम भी हो लिया, और मतलब काफ़ी टाइम हो चुका है, और उस पर भी कंसर्न हो चुका है। जब तक अब तक कोर्ट तय नहीं कर पाई है, तो अब किस लिए तय करेगी? जानवर को मारा या जो कि इलीगल पोचिंग है, तो काफ़ी टाइम भी हो गया तब से कोर्ट ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो अब लेने में क्या फायदा? तो हो जाता ना, ये बात जो कही है, ये देखा एक पॉइंट आया बहुत तगड़े वाला, उस टाइम होता तो हो जाता। दूसरे लोगों के लिए एक एग्जाम्पल है, कोर्ट का जो डिसीजन है जी वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आज सलमान खान को अगर इस केस से छोड़ दिया जाता, बरी कर दिया जाता, तो फिर दूसरे लोग भी इस तरह के क्राइम करेंगे, तो बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे एक तरह से। तो यहाँ पे कौन कौन कहता है कि हाँ यार सलमान को बेल हो जानी चाहिए, आई मीन ही शुड बी लाइक उनको छूट जाना चाहिए, होनी चाहिए। चलाते हैं जिससे बहुत लोगों को फायदा होती है, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं कैंसर पेशेंट, बींग वुमेन हो गए, तो उससे उनसे मतलब बहुत लोगों को फायदा भी होता है। चैरिटी को लेकर आप ये नहीं कह सकते कि मेरे को अगर कोई क्राइम किया तो उससे फ्री कर दो, तो आई डोंट थिंक कि हमें इतना प्रोटेस्ट या किसी को भी इतना प्रोटेस्ट करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए कोर्ट के डिसीजन। ओके फाइन, एनीवन एल्स, आपका क्या पॉइंट होगा? देखो भाईजान को मैं एज एन एक्टर आई लव हिम, बट हिज कन्विक्शन गोज विद द कोर्ट। दिस थिंग द किलिंग हैपेंड लाइक हाउ मेनी इयर्स? इट हैपेंड इन 1998, इट्स बीन लाइक टू डेकेड्स नाउ, एंड आवर कोर्ट इज सो यू नो so efficient in court, definitely. Yeah, well according to that he shouldn't be given a jail. One more thing is yaar 20 saal lag gaye ye cheez hone mein, 98 not 2018, so what do you have to say about the Indian court system, Indian judiciary system? Actually we all know that we have less judges as compared to the cases filed in our country, so yeah it takes time, but the end motive should be that we get justice. Is it more of the fault of the court than the people? Definitely it's the fault of the court. Definitely. And the court you're giving a person jail after like 2 decades, then what's the point? लेकिन लोग तो कह रहे हैं उसने इतने अच्छे अच्छे काम करे, इतना अच्छा इंसान है, तो लोगों का भला करा तो उसे जेल मत दो। जानवर को मारने की वो भी तो करिए ना गलती, कई इंसानों को मारने की भी गलती शायद, मतलब तो मैं समझता हूँ कि हाँ सही है, ये उनको सज़ा मिली है तो उनको ये एक्सेप्ट करनी चाहिए, और लोगों को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। जो बाकी लोग इन्वॉल्व थे वो ब्लैक बक केस के, लाइक सैफ अली खान या अदर एक्ट्रेसेस, उन सबको रिलीज कर दिया गया, बट सलमान खान बीइंग द बिगर एक्टर और द बिगेस्ट सेलिब्रिटी ऑफ देम ऑल, उनको लाइक ही इज एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल द पीपल, उन लोग कह रहे हैं कि उन पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, एंड देयर इज सम काइंड ऑफ यू नो पॉलिटिक्स बीइंग प्लेड अराउंड बैक स्टेज। What do you guys have to say about it? I don't think like Salman Khan like ऐसे कुछ उसके ऊपर बहुत ज़्यादा focus किया जा रहा है, because Saif Ali Khan is I think equally good. So maybe I don't think like there is a like focus on Salman Khan. उसका शिकार किया था हिरण का, ब्लैक बक का, तो उस टाइम पे सलमान खान एक इंडिविजुअल वहाँ पे ऐसे पर्सन थे जिनको वन विभाग ने वहाँ पे पकड़ा था।
ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। सस्पेक्ट्स प्रोड्यूस करे होंगे, उसमें वो गिल्टी प्रूव हुए होंगे, तभी सलमान खान को उन्होंने 5 साल की सज़ा दी है कोर्ट ने उन्हें वर्डिक्ट में, कि उन्हें 5 साल की जेल दी है। तो फिर कोर्ट का डिसीजन है, और उन्होंने कुछ फैक्ट्स देख के, कुछ बिना फैक्ट्स के तो वो डिसीजन नहीं दिया होगा, या बिना विक्टिम्स जो वहाँ पे जो प्रेजेंट होंगे जिन्होंने गवाही दी है उनके बिना, उनकी जो स्टेटमेंट्स के बिना तो कोर्ट ने कोई डिसीजन नहीं दिया होगा। तो हमें ठीक है, उन्होंने अगर कोर्ट ने कहा है सलमान खान गिल्टी है तो वो है। You send a person for jail for killing an animal, but you don't send a person to jail for injuring humans. Are you a fan of Salman Khan, by the way? I'm not. No, you are not? No, I'm not. Okay, high five for that. Yeah. Okay, thank you so much.